महिला की बहाली को लेकर आई नई स्कीम अग्निपथ को लेकर पूरे सूबे में बवाल मचा हुआ है। वहीं अग्निपथ को लेकर नौगछिया में तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। नौगछिया अनुमंडल के तीन स्थानों में क्रमशः नारायणपुर, खरिक एवं रंगरा में छात्र विरोध प्रदर्शन करते समय आक्रामक मूड में आ गए और पुलिस जवानों पर भी जमकर पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी से नौगछिया पुलिस के कई जवान सहित एसडीएम यतेंद्र कुमार पाल, एसडीपीओ दिलीप कुमार सहित कई पुलिसकर्मी खरीक चौक पर हुए पत्थरबाजी में घायल वो चोटिल हो गए। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीक चौक पर विरोध कर रहे छात्र काफी आक्रामक हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। छात्रों द्वारा पुलिस पर जमकर पत्थर फेंके गए, वो खदेड़ा गया। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायरिंग भी की है। सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना छात्रों को काफी महंगा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, सबका वीडियोग्राफी करवाया गया है, उन्हें खोज कर जेल भेजा जाएगा। यहाँ भी कुछ लड़के आए थे हरिक स्टेशन पे, वहाँ पर एसडीपीओ साहब और एसडीएम साहब गए थे, समझा बुझा के लोगों को वापस कर दिया गया था। वापस होने के बाद वो सारे लड़के यहाँ पर आ गए और यहाँ पे फिर वो एग्रेसिव हो गए और ईटा पथराव करना शुरू कर दिया। हमारे कई पुलिसकर्मी, हमारे एसडीपीओ, हमारे थाना प्रभारी, कई लोग जख्मी हो गए, हमारे एसडीएम साहब जख्मी हो गए ना। हमारे पास काफ़ी लोगों से फुटेज है, इतना भी की गई है, एक एक को चिन्हित करके जेल भेजेंगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा फायरिंग की? हाँ, फायरिंग किया गया और फायरिंग करना मजबूरी थी क्योंकि वो लोग काफ़ी नज़दीक तक आ गया था, बड़ा बड़ा ईटा पत्थर चला रहा था, उसे किसी पुलिसकर्मी की जान भी जा सकती थी। तो अपना जो सुरक्षा में अपना जान में रक्षा करने के लिए जवाबी कार्रवाई फायरिंग की गई थी। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन में पूरे बिहार में प्रदर्शनकारियों ने सभी ट्रेनों के रूट को बाधित कर दिया है। कई ट्रेनों को आग के हवाले भी कर दिया गया। प्रदर्शनकारी सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों का परिचालन सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। सीपीआरओ के अनुसार बिहार में पूर्व मध्य रेलवे के तहत गुरुवार को रेल डिवीजन के कई रेल रूटों को बाधित किया गया। इसी बाबत भागलपुर व भागलपुर के आसपास के रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर से भी अप और डाउन दोनों की तरफ के ट्रेनों का परिचालन बंद है। मीडिया से बात करते हुए यात्रियों ने कहा कि अब घर लौटना ही एक उपाय है। अब घर चले जाइएगा वापस। कैंसिल होने से ये परेशानी होती है कि हम पूरी तैयारी करके आते हैं ना घर से, और इतनी गर्मी में आते हैं और माँ मेरी कितनी बुजुर्ग है, और फिर अचानक पता चला कि कैंसिल हो गई, तो फिर से मतलब तैयारी तो करनी पड़ेगी ना नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे। यही परेशानी होती है और गर्मी है ना, मेरे पास ठंडा नहीं है। वहीं शुक्रवार को कहलगांव रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ट्रक को जाम कर जमकर नारेबाजी किए और सरकार से सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना का विरोध किया। लगातार ट्रेन का चक्का जाम कर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए कहलगांव एसडीपीओ अनुमंडल पदाधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल कहलगांव स्टेशन पर मौजूद है। पूरे बिहार में हो रहे आंदोलन को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस अग्निपथ योजना का विरोध करती है और आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ है। वहीं उन्होंने कहा है कि आंदोलन के दौरान आगजनी की घटना गलत है, शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध होना चाहिए। क्या यही नौकरी बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पर पूरा देश आंदोलित है और कांग्रेस पार्टी उन आंदोलन जो कर रहे हैं उनके साथ है, क्योंकि नौकरी का एक संविधान में प्रावधान है कितने दिनों का देना है, कब रिटायरमेंट होगा। यह नीति लागे कि 4 वर्षों में हटा दिए जाएंगे, यह बिल्कुल गलत है। उम्र सीमा भी उन्होंने कम रखा है, कोरोना में कोई नौकरी नहीं हुई, आप 8 साल में कितने को नौकरी दे पाए। समाहरणालय गेट के समक्ष कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दिवसीय अनशन से धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने किया। ये अनशन ईडी के द्वारा राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में चल रही पूछताछ के विरोध में किया गया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर राहुल गांधी के द्वारा आवाज उठाई जा रही थी, इसको दबाने के लिए झूठे मामले में ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है,
और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, जिसको लेकर आज अनशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। धरना के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भागलपुर के लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी प्रकाश कुमार ने भागलपुर स्टेशन पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और रेलवे आरपीएफ के पुलिस कर्मियों के साथ प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक विचार विमर्श किया। सिटीएसपी स्वर्ण प्रभात ने पत्रकारों से कहा है कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन चौक चौराहे पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी ने कहा है कि लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है। सभी छात्रों से अपील है कि वे तोड़फोड़ ना करें। युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो भी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं वह उनकी संपत्ति है। अगर किसी को कानून हाथ में लेते देखा गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति है। यहाँ पे स्थिति पीसफुल है और सारी ट्रेनें जो है रद्द की गई है। हमारी फोर्स हर जगह लगी हुई है, किसी भी तरह के चिंता की बात नहीं। सर, पहले से किस तरह की तैयारी की गई है? चप्पे चप्पे में फोर्स लगाया गया है और हम लोग सूचना भी संकलन कर रहे हैं। अभी तक किसी भी तरह की सूचना नहीं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र राजद के द्वारा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। रक्षा मंत्रालय के द्वारा अग्निपथ योजना की शुरुआत किए जाने को लेकर छात्र राजद के द्वारा इसका विरोध किया गया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। छात्रों का कहना है कि सरकार ने जिस प्रकार से कृषि बिल को वापस लिया, उसी प्रकार से अग्निपथ नियम को भी वापस लेना होगा। वहीं उग्र आंदोलन कर रहे छात्रों के सवाल पर राजद नेताओं का कहना था कि सत्ता के लोग ही तोड़फोड़ और आगजनी का काम कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक नियम वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ नाम से छात्र नौजवान बेरोजगार विरोधी योजना लाई गई है, राष्ट्रीय हित के विरोध में योजना लाई गई है। तो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई इसी बेरोजगार विरोधी योजना तथा राष्ट्रीय हित के खिलाफ लाई गई योजना के हम लोग आज यहां पर पुतला दहन करने का कार्य किए हैं। आपको यह मालूम हो कि जिस प्रकार से इन्होंने यह योजना लाने का कार्य किया है, इसके माध्यम से सिर्फ बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक नहीं किया गया है, बल्कि इसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का कार्य किया है। भागलपुर शहर में दो थानों के नए भवन का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा किया गया। ततारपुर थाना भवन जो सराय चौक पर एवं जोक्सर आदमपुर टीओपी जो जोक्सर में बनाया गया है, अब दोनों थानों को सुसज्जित भवन मिल गया है। ये नवनिर्मित थाना भवन कई सुविधाओं से लैस है। दोनों भवन पुलिस निगम के द्वारा निर्मित की गई है। मीडिया से बात करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने भागलपुर में नव निर्मित आधुनिक सुविधाओं से लैस दोनों नया थाना भवन को इसी तरह सुसज्जित और साफ सुथरा रखने की बात कही। उद्घाटन कार्यक्रम में एसएसपी बाबूराम के अलावे दोनों थानों के थाना अध्यक्ष, सभी पुलिस कर्मी एवं कई समाज सेवी उपस्थित थे। शहर के दो थानों का उद्घाटन हुआ है और कितने थाना भवनों का होना है? यहाँ आज ये जोगसर थाना का नया भवन का शुभारंभ हुआ है। आज से यहाँ थाना ने काम करना शुरू कर दिया है और पूजा पाठ के बाद यहाँ जो पूरा स्टाफ है यहाँ पर आज ट्रांसफर हो गया है। हम लोगों ने भी थाना भवन का निरीक्षण किया है जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और इस संबंध में एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि थाना को इसी तरह से साफ सुथरा बढ़िया से मेंटेन करके रखना है।